दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलाइड मोशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में पिन भी कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सीख लीजिएगा इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टाइटल पर क्लिक करना, टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इस तरह से आपको बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो लेयर तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं देख लीजिए, मैं शेक इफेक्ट डाउनलोड करके बता देता हूँ, ठीक है। आपको इस शेक इफेक्ट का लिंक इस तरह ग्रीन कलर लिंक, इस पर लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देना, इस क्रॉस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस तरह से आपको नीचे चला जाना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने का, यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा, फोटो जो भी वीडियो उसका फोटो इस तरह मिल जाएगा और इस तरह आपको नीचे चले जाना, और नीचे चले जाना, और नीचे, और नीचे, और यहाँ पर देख लीजिए आपको डाउनलोड इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए 10 सेकंड का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना, ठीक है। 10 सेकंड या 12 सेकंड तक वेट लगेगा, 5 सेकंड और आपको यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद इस क्रॉस पर फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पर इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस तरह नीचे चले जाना और आपको यहाँ पर लिखा शेक इफेक्ट बाय रितेश यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे जैसे एक इफेक्ट पर क्लिक कर देना कुछ इस तरह से आपने हो जाएगा और आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, प्लीज वेट और डाउनलोड प्रोजेक्ट पैकेट और यहाँ पर देख ले इस तरह से डाउनलोड हो गया। उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना, इस तरह से सेम दोस्तों बीट मार्क और पीएनजी में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको इस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो अपन ने इफेक्ट डाउनलोड की थी बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बीट मार्क बाय रितेश एडिंग पर आपको क्लिक कर देना है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का प्लस दिखा देगा, ये वाला आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फोल्डर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में आपके इमेज हो, इमेज यानी फोटो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देख लिया कुछ इस तरह से अपना इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप किसी का भी ले सकते हैं, अपना या अपने गर्लफ्रेंड किसी का भी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देख लिया एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांचवें नंबर फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह लास्ट तक चला जाना, ठीक है। इस तरह खिसका के लास्ट तक चला जाना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम की। तो लास्ट तक आने पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको खाली जगह में टच कर देना और ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको पीएनजी इमेज का ऑप्शन मिलेगा, पीएनजी इमेज पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिया सिलेक्ट ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर क्लिक कर देना और यहाँ पर वापस क्लिक कर देना और आपको कॉपी थ्री लेयर्स का ऑप्शन कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट थ्री लेयर्स का ऑप्शन पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह लास्ट तक चला जाना, ठीक है। इस तरह खिसक आपको लास्ट तक आ जाना। लास्ट का आने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह पर टच कर देना। दूसरे नंबर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना, खाली जगह पर टच कर देना और तीसरे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर द फिल का ऑप्शन होगा, ये वाला यहाँ पर क्लिक करना और ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको पसंद है वो वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट आप कर लेना, ठीक है। तो देख लीजिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला। उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, ठीक है। आप कोई सा भी कलर चेंज कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन, इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट का ऑप्शन, शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिया दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले नंबर ग्रुप एंड मास्क फोर, ठीक है, फोर यानी चार, ग्रुप चार, ये वाला आपको देखिए पहले नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। कॉपी कर लेना, उसके बाद खाली जगह में टच कर देना और ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह खिसका लेना, ठीक है। इसको मैं इधर रख देता हूँ और यहाँ से आपको इस तरह खिसका कर आगे चले जाना, ठीक है। इस तरह खिसकाना है, देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपको और आगे आ जाना और इस तरह से देख लीजिएगा, आपको इस तरह से यहाँ तक आ जाना, देख लीजिए दोस्तों 16.29, ठीक है,
यहाँ पर देख लिया 16:29 आपको टाइमिंग दिख रहा है ये वाला 16:29 तक आ जाना, ठीक है यहाँ पर टाइमिंग देख लेना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन का पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर देना ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन का इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में अनग्रुप का ऑप्शन का अनग्रुप पर क्लिक कर देना है। अनग्रुप पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अपने इफेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एरो का ऑप्शन इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर चेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। चेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क 3, ठीक है दूसरे नंबर ग्रुप 3 ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। कॉपी करने के बाद इधर खाली जगह में टच करना और इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लिया इस तरह से आपको ये वाला एरो इस एरो पर एक और दो बार क्लिक करना, ठीक है। दो बार जैसे क्लिक करो 2:24 तक आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2:24 आपको टाइमिंग मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना और आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन होगा पेस्ट लेयर पर क्लिक करना और आपको इस ग्रुप पर क्लिक करना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन होगा ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक करना और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में अनग्रुप पर क्लिक करना। अनग्रुप पर क्लिक करने के बाद इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर चेक इफेक्ट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर देख लीजिए, तीसरे नंबर ग्रुप 2, ठीक है ग्रुप एंड मास्क 2, ठीक है दो नंबर ये वाला दो आपको दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर का ऑप्शन है कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। इधर खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम रहे कहीं पर भी नहीं जाना और ये वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन होगा पेस्ट कर देना। उसके बाद इस ग्रुप पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर चेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। चेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में ग्रुप एंड मास्क 1, ठीक है सबसे लास्ट वाले पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। इधर खाली जगह में टच कर देना, इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, एरो पर एक बार क्लिक कर देना। एक बार क्लिक करने के बाद आपको 1:25 तक आ जाएगा, यहाँ पर टाइमिंग देख लेना 1:25। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन पेस्ट कर देना। उसके बाद इस ग्रुप पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन का इस पर क्लिक कर देना और सबसे लास्ट में अनग्रुप का ऑप्शन का अनग्रुप पर क्लिक कर देना। अनग्रुप पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपको फर्स्ट में चले जाना और इस तरह सबसे नीचे चले जाना, ठीक है इस तरह नीचे चले जाना। उसके बाद नीचे से एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चौथे नंबर पर आपको बॉर्डर मिल जाएगा, इस बॉर्डर पर आपको इस तरह क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला डिलीट का ऑप्शन है डिलीट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देखिए इस पर वापस क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। तो वीडियो अपने बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एरो का ऑप्शन होगा, एरो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको स्पोर्ट पर क्लिक कर देना, ये वाला स्पोर्ट का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर देना। तो वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।